name is Abdul Moiz Asif. I'm a YouTuber and a vlogger. Welcome back to my YouTube channel, Abdul Moiz Asif. आज का सीन ये है कि यहाँ पर आज जुम्मे दोबारा से ऑब्वियसली, तो पिछले जुम्मे को मैंने व्लॉग बनाया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। इस जुम्मे आज के दिन भी बहुत ज्यादा कमिटमेंट थी। रात को जब मैं सोया हूँ तो तकरीबन 9 to 6 मेरा जो स्केड्यूल था वो बुक था, लेकिन सुबह सुबह मुझे मैसेज आते हैं, दो कमिटमेंट्स तो वैसे ही खत्म हो गई ना। और 9 to 11 मैंने लाइब्रेरी जाना था लेकिन मैं उठाई 10:30 बजे। ओरिएंटेशन की जो मीटिंग है वो हर वीक होती है 4:30 बजे है आज, हर वीक होती है क्योंकि नेक्स्ट वीक कुछ फ्रेशेज आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने इधर आना, और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेपरेशंस होती हैं। उन प्रेपरेशंस के बारे में भी आपको इस व्लॉग में सारा बताऊंगा, मीटिंग्स कैसे होती हैं, किस तरह से ब्रांड लॉन्च हुआ था, सेकेंडली पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था पिछले दिनों में, वो भी इस वीडियो में आप देखोगे कि यहाँ पर किस तरह से सीन था, किस तरह से स्क्रीनिंग हुई थी, और बहुत ज्यादा वीडियोज हैं जो मैंने बनाकर रखी हुई हैं वो इसी व्लॉग में हम देखेंगे। और मुझे कोई बुलाने आ गया क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है और आई एम लेट, रस्ते में बात करते हैं। अच्छा यार, ये जो दो सोफे लगे हुए हैं और ये एक टेबल लगा हुआ है, ये बिल्कुल दरवाजे के सामने लगा है हॉस्टल के एंट्रेंस पॉइंट के। इस पॉइंट को हम मीटिंग पॉइंट कहते होते हैं, जब भी हम दोस्तों ने मिलना होता है हम कहते हैं मीटिंग पॉइंट पर आ जाओ, वो सारे इधर आके बैठ जाते हैं। मेरा रूम जो है वो इस तरफ को है, नीचे हॉस्टल में नीचे फ्लोर में है, और मेरे जो दोस्त हैं उनका सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो हम कहते हैं बस मीटिंग पॉइंट पर आ जाओ, यहाँ के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम यहाँ से बाहर क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अच्छा यार, ये रास्ता आता है यहाँ से, ये पुल आता है हॉस्टल के बिल्कुल साथ, नीचे लेक जा रही है, नस्ट लेक इसे कहते हैं, ब्यूटीफुल नस्ट लेक। इसकी एस्थेटिक फोटोज आपने देखी होंगी, बहुत प्यारी लेक है, यहाँ पे यहाँ से नज़र नहीं आ रही, और यहाँ से उतर के वो सामने डिपार्टमेंट है, 5 से 10 मिनट का रास्ता बनता है हॉस्टल से, तो वो चल के जाना पड़ता है, वो पुल है और आगे तकरीबन चढ़ाई है, ये मतलब यहाँ पे हमें और वो डिपार्टमेंट तक जाना है, वो अगर आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा यार, अभी हमें एग्ज़ाम मिले हैं यहाँ पर, जो एग्ज़ाम होता है वो बाद में पेपर शोइंग होती है कि किस तरह से आप लोगों ने किया था। कायनात के भी बड़े अच्छे नंबर आए हैं, मेरे भी बड़े अच्छे आए हैं, इवन ने तो टॉप किया है पूरी क्लास में। कायनात आपका क्या फीडबैक है, कायनात क्या आपका रिएक्शन है, क्या बात। मैं अभी जा रहा हूँ ओरिएंटेशन की मीटिंग में, जो मैंने आपको बताया था कि मैं जाऊँगा, और मैं अभी लिटरली सो के उठा हूँ और मुझे जाना पड़ा, सवा चार जाना था, 4:15 उठ के मैं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब चलना पड़ता है, मेरे रास्ते से तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है। IESC सेमिनार हॉल जो है वो मेरे हॉस्टल से तकरीबन 20-25 मिनट पैदल रास्ते पर। आप लोग भी कहते हो क्या डायरेक्शन बताता रहता है हमें, लेकिन मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि देखो कितना ज़्यादा चलना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। पहले मैं अपने डिपार्टमेंट गया, डिपार्टमेंट से वापस आया, जुम्मा पढ़ने गया, जुम्मा पढ़ के वापस आया, एंड देन अब मैं दोबारा से एक जगह जा रहा हूँ जो 20-25 मिनट पैदल चलना पड़ेगा मुझे। ये देखो, ये मस्जिद है, ये सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ से आगे एक राउंड बाउट आता है और वहाँ से इस तरफ मुड़ो तो गेट 2 आता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जहाँ पे हॉस्टल वगैरह के सारे चक्कर वगैरह यहाँ पे फिल होते हैं। अच्छा यार, इसके बाद ब्रांड लॉन्च की बारी आती है। ब्रांड लॉन्च होता क्या वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ब्रांड लॉन्च बेसिकली होता है कि जब आपकी ओरिएंटेशन होती है उसमें एक फॉर्मल मीटिंग होती है, सारी जो ओरिएंटेशन की कमेटी होती है, सारे जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान, और वो आते हैं और वहाँ पर लोगो रिवील होता है, वहाँ पर कुछ इवेंट्स रिवील होते हैं, और वहाँ पर कुछ एलुमनाई आते हैं, वो आकर बात करते हैं। एलुमनाई बेसिकली यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, और वो आकर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को किस तरह से ओरिएंटेशन आपने करनी है। उसके बाद शुरू होता है एक इनफॉर्मल सीन जिसमें सिंगिंग वगैरह होती है या कुछ गेम्स वगैरह छोटी मोटी होती हैं पूरी ओरिएंटेशन कमेटी के दरमियान, ठीक है ना, ताकि एक आइस ब्रेकिंग टाइप हो जाए, सारों को मजा आए और सारे एंजॉय करें, ठीक है। तो यही सीन था ब्रांड लॉन्च का, वही क्लिप्स आप आगे देखोगे। ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। I
अच्छा यार, अभी इधर हम C1 में आए हुए हैं और यहाँ पर क्रिकेट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है ना, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है और पीछे वो सारा माहौल बना हुआ है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, ऑब्वियसली जब भी मैंने C1 में बनाया है मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही होती। आप पीछे देखो और यकीन करो इतना क्राउड है ना, इतना क्राउड है, अगले क्लिप से आपको पता चल जाएगा। और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब एक अलग एनवायरनमेंट बना हुआ है। आप क्रिकेट देखते हो, अलग क्रिकेट देखने का अपना मजा है देखो, लेकिन इंसानों के साथ देखने में बहुत ज्यादा मजा है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो गया आपको पता चल चुका पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, लेकिन इस वक्त हर जगह हमारे पाकिस्तान घूम रहे हैं, ठीक है ना। आप नाड़ कांटों के अंदर से ग्रीन कलर का खून देख लेगा। पाकिस्तान जीत चुका है और जो मैच था वो ओवर हो चुका है। आप लोगों ने सारा माहौल देख लिया, मेरा इस वक्त गला बैठ चुका है, मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही और जो सब कुछ मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ी सी सेलिब्रेशन चल रही है और सब कुछ खत्म हो चुका है। आप आज का दिन खत्म हुआ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।